Hey, yo, what is up, students? What is up? What is up? मैं हूं आपका new teacher Minecraft class के लिए. ये है tutorial time हमारी new series जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वर्ड बनाने हैं, आपको नए mechanism जो आप Minecraft में बना सकते हैं. आप अपने teachers को class में respect देते हैं, उसी तरह आप मुझे respect देना चाहें. Hey, जल्दी से second video को like कर दीजिए and channel को subscribe कर दीजिए. ऐसे आप मुझे respect दे सकते हैं and अगर respect नहीं देना चाहते तो ऐसे प्यार भी दे सकते हो. नीचे जाके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अब हम चलते हैं सीधा वीडियो में. सो सबसे पहले आपको कुछ ब्लॉक चाहिए होंगे ऑब्वियसली बनाने के लिए. जो जो चीज़ आपको चाहिए वो सारी इस चेस्ट के अंदर रखी हुई है. तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए. सबसे पहले आपको चाहिए है फेंस, कुछ ब्लॉक्स चाहिए जो कि मैं भूल चुका हूँ रखना, कुछ बेड, कुछ ये, कुछ ये, कुछ ये, कुछ ये. आपको सबसे पहले कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना होगा. सबसे पहले आप इस फार्म को बिल्कुल भी विलेज के पास नहीं बनाएंगे, ना ही विलेजर्स के अंदर बनाएंगे. आपको विलेज से थोड़ा दूर जाना है और वहां पर बनाना है, वरना सारे जो विलेजर्स के वो स्पॉन किए हुए गोलम हैं वो सारे विलेजेस में जाएंगे, ना ही आपके ये स्पॉनर में. इसका आपको ध्यान रखना होगा. तो अब आपको 20 ब्लॉक्स हाई जाना है, तो चलिए अब बनाने इसको शुरू कर देते हैं. यहाँ पर हम बनाने इसको शुरू करेंगे. आपको 20 ब्लॉक्स अप जाना है. अब 20 ब्लॉक्स अप क्यों जाना है, वो इसलिए है क्योंकि जो गोलम स्पॉन होंगे वो आपको ज़मीन पर तो नहीं छोड़ने, ऊपर ही जाना है. अगर नीचे रहेगा तो वो नीचे ही स्पॉन होंगे और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, फिर वो किसी काम का नहीं है. तो हम चलते हैं 20 ब्लॉक्स अप. ओके, तो ये है हमारे 20 ब्लॉक्स, ये हो चुके हैं. एंड अब नीचे के सारे ब्लॉक्स आप तोड़ सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं. आप नीचे के सारे ब्लॉक्स तोड़ सकते हैं. यहाँ से हमारा काम शुरू होता है. तो सबसे पहले आपको ये जो प्लेटफॉर्म है वो रखना है. ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा जो ज़ॉम्बी है वो आएगा, तो इसके आसपास आपको थोड़ा सा एक केज टाइप या कहें तो एक ग्लास टाइप पूरा एक बनाना है. तो चलिए वो बना लेते हैं. ओके, तो ये बन चुका है. एंड अब आपको करना ये है, सबसे पहले आप यहाँ से 3 ब्लॉक्स पीछे की तरफ, हाँ 3 ब्लॉक्स पीछे की तरफ आप थोड़े से अलग ब्लॉक्स ले लीजिए एंड उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. हम इसका यूज़ करते हैं. 3 ब्लॉक्स आपको पीछे आना, यानी कि यहाँ से ये जो ये ख़त्म हो रहा है ग्लास, यहाँ से 3 ब्लॉक्स पीछे आना है. तो यहाँ पर हमारे बेड आएंगे विलेजर्स के. आपको 3 साइड करना है, चारों तरफ नहीं करना, आपको सिर्फ 3 तरफ ही करना है, ठीक है. तो इसका ध्यान रखिएगा. तो अब ये हो चुका है एंड अब हमें यहाँ पर लगाने हैं बेड, ताकि हम यहाँ पर विलेजर्स को रख सके. एंड याद रखिएगा कि सारे बेड जो है वो ज़ॉम्बीज को फेस कर रहे हो इसी तरह. ओके, तो गाइस अब ये हो चुका है. अब हमें करना है प्रोटेक्टिव ग्लास का एक लेयर, ताकि जो ये विलेजर्स हैं वो भाग ना सकें. तो चारों तरफ हमें इसे ढक देना है. 11 minutes later. तो गाइस अब बारी है ज़ॉम्बीज को स्पॉन करने की एंड विलेजर्स को लाने की. अगर आपके पास सर्वाइवल आइलैंड है तो आप बेसिकली उसको ला सकते हैं एज आप इसे चारे की तरफ, आप खुद चारा बन जाएं एंड फिर आप उसे एक तो ये एक गड्ढा है उसमें धकेल दें, ऐसे आप ला सकते हैं. या फिर माइनक्राफ्ट से या ऐसे कुछ करके विलेजर्स का सेम टू सेम उसी तरीके से ला सकते हैं, या तो बोट से या फिर माइनक्राफ्ट से ऐसे कुछ करके. ज़ॉम्बी क्योंकि हमारे पास में है तो याद रखिएगा नेम टैग आपको उसको याद से दे देना है, क्योंकि वरना वो डिस्पॉन हो जाएगा और अगर वो डिस्पॉन हो जाएगा तो आपका पूरा ये जो सिस्टम है वो बंद पड़ जाएगा. तो इसको जल्दी से नाम दे देते हैं एंड एज इट इज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब. तो अब बारी आ जाती है हमारे विलेजर्स को स्पॉन करने की. तो ये रहा विलेज नंबर 1, ये रहा 2 एंड ये रहा 3. तीनों विलेजर्स अपनी अपनी जगह पर सेफ हो चुके हैं एंड अब बारी है आगे बढ़ने की. 3 hours later. ओके, तो गाइस हमारा जो बेसिक्स था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि बेड लगाना, विलेजर्स लाना एंड ज़ॉम्बीज को लाना, ज़ॉम्बीज को नेम टैग देना, वो सब कंप्लीट हो चुका है. अब हमें थोड़ा सा एडवांस जाना है, यानी कि हमें बनाना है प्लेटफॉर्म जहाँ पर आयरन गोलम स्पॉन होंगे एंड जहाँ से वो नीचे सीधा लावा में गिरेंगे. तो ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको चाहिए कोई भी ब्लॉक, आप कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं. तो आपको ये याद रखना है आपको बनाना है 1, 2, 3 वाइड एंड 7 लॉन्ग बनाना है. मतलब ये 1 हो चुका है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इसके बराबर आ जाएगा. अब आपको लेना है एक हाई, यहाँ आप दूसरा कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं एंड आपको एक हाई जाना है, बट इसके ऊपर नहीं, इसके एग्जैक्ट बाजू में आपको एक हाई जाना है एंड फिर से यही सब करना है. मतलब आपको ये फिर से 7 रखना है और इस बार आपको फुल लेंथ लेके जानी है यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक आपको ये फुल लेंथ लेके आनी है. अच्छा लग रहा है, तो अब देखते हैं कि क्या करना है. हम बढ़ते हैं
नगले स्टेप पर। ओके तो गाइज हमारा जो प्लेटफॉर्म बिल्डिंग का काम है वो थोड़ा सा बेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है फेंसिस को लगाने की, ताकि पानी जो है उसमें से हम फ्लो करवा सकें। बट आपको फेंस लगाने के लिए भी एक तरीका है वो जो आपको कंप्लीट करना होगा, वो कुछ इस तरीके से है। यप, आपको बाहर की तरफ लगवानी है फेंस, आपको अंदर की तरफ नहीं लगवानी, क्योंकि अंदर की तरफ तो पानी आएगा तो अंदर आपको नहीं ही लगवानी है। तो आपको आपको पूरे ये बेस के आसपास ये लगवाना होगा, ताकि आयन गोलम जो पानी से बह कर आएगा नीचे की तरफ वो नीचे ना गिर जाए और आपका सारा मटेरियल है जो वो वेस्ट ना हो जाए। 11 मिनट्स लेटर। ओके तो गाइस जो फेंस लगाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, एंड अब बारी है पानी की। पानी की अभी नहीं, बट एक छोटा सा काम करना है और वो है गेट लगाने का। अब गेट हमें क्यों लगवाने हैं, तो वो इसलिए ताकि हम जो पानी यहाँ से हम लेके आएंगे वो फ्लो होता यहाँ पर आएगा और फ्लो होता हुआ यहाँ पर आएगा, एंड यहाँ पर नीचे लावा आएगा। ऑब्वियसली अगर पानी नीचे गिरेगा तो ऑक्सीजन बन जाएगा, तो फिर किसी काम का है नहीं। इसीलिए पानी को यहाँ पर रोके रखने के लिए हमने ये यहाँ पर लगवाया है। ओके तो गाइस अब बारिए इस फार्म के कुछ फाइनल टचेस की, बोले तो फाइनल टचेस की। तो बारी है लावा की, तो आपको लावा यहाँ पर रखना है एंड ये चारों तरफ फैल जाएगा, तो कोई भी कोना बाकी नहीं रहेगा एज ऑलवेज। अब बारी है पानी की, पानी भी आपको यहाँ पर बीच में डालना है। एंड बप ये हमने रखा था कि ये फेंस पानी को रोकने के लिए काम आएगा, जब ये काम आ रहा है। एंड अब आपको ये पानी चारों तरफ ऐसे बिखेर देना है ऐसे, एंड ये पानी भी यहाँ पर जाएगा। अब ये बेसिकली पूरा हो चुका है, हमारा काम यहाँ पर फिनिश हो चुका है। आपका जो पूरा ये फार्म है वो बनके तैयार हो चुका है, अब हमें बस रात का इंतजार करना है एंड बस हमारा काम हो जाएगा। ओके तो गाइस फाइनली हमारा पूरा आयरन गोलम फार्म बनके तैयार हो चुका है। यही था हमारा आज का वीडियो, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।